हेलो बच्चों, अब हम ठोस आकृतियों के विभिन्न दृश्यों यानी कि सामने के दृश्य, पीछे के दृश्य, पार्श्व दृश्य आदि के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब एक उदाहरण की मदद से तीन आयामी आकृतियां के विभिन्न दृश्यों को ठीक तरह से समझते हैं। ये मणिलाल की फैक्ट्री का गोडाउन है। सामने से देखने पर यह पूरा भरा हुआ दिखता है। यहां पर कितने बॉक्स हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं, यहां पर तीन कतार या रोज हैं और छह कॉलम्स हैं, तो सामने की ओर 18 बॉक्सेस हैं और इसके पीछे यहां पर चार ढेर हैं, इसलिए कुल 5 ढेर हैं। मणिलाल ने सोचा कि यहां पर 18 × 5 = 90 बॉक्सेस हैं, क्योंकि यहां पर एक के पीछे एक 5 सीधे ढेर हैं और हर एक में 18 बॉक्सेस हैं, जैसा कि हमने सामने के दृश्य में ऐसा एक ढेर देखा था। चलिए इन सभी 5 ढेर को ऊपर से देखते हैं। क्या यहां पर कुछ बॉक्सेस गायब हैं? तो हां, यहां पर कुल 5 ढेर होने चाहिए थे, जिनमें हर एक में कुल 18 बॉक्सेस होने चाहिए थे। लेकिन देखिए, मणिलाल को यह पता नहीं चला कि उसके गोडाउन से कुछ बॉक्स चोरी हो गए थे, जब तक कि वह ऊपर से देखकर पता न लगाए। मणिलाल ने सोचा था कि वहां 18 × 5 = 90 बॉक्सेस हैं, चूंकि वहां पर ऐसे 5 ढेर थे जिनमें ऐसे 18 बॉक्सेस थे, तो गोडाउन से कुल कितने बॉक्स गायब हैं? चूंकि हमने सामने की ओर से देखा था कि यहां पर एक के ऊपर एक बॉक्स की तीन कतारें हैं, सबसे ऊपरी और नीचे की कतार में गुलाबी बॉक्स है और बीच वाली कतार में नीले बॉक्स थे। अब ऊपर से देखने पर हम कह सकते हैं कि ऊपर की कतार में से 2 × 3 = 6 गुलाबी बॉक्सेस गायब हैं, क्योंकि ऊपर की कतार में केवल गुलाबी बॉक्स ही थे और दूसरी कतार में से एक नीला बॉक्स गायब है, क्योंकि दूसरी कतार में केवल नीले रंग के ही बॉक्सेस थे, इसलिए कुल 7 बॉक्स गायब थे। इस ओर से यानी कि गोडाउन के पिछले भाग में देखिए, हम कह सकते हैं कि ऊपरी कतार में से 4 या 6 बॉक्सेस गायब हो सकते हैं। इस ओर से देखने पर गायब हुए नीले बॉक्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में गोडाउन में 90 − 7 = 83 बॉक्सेस ही हैं। तो आप भली भांति ये समझ गए होंगे कि किसी भी ठोस को अलग कोण से देखने पर यह अलग दिखाई देता है और विभिन्न दृश्य हमें उसी ठोस के बारे में भिन्न आइडिया देते हैं, और व्यू पॉइंट का यह आइडिया दृश्य का अनुमान लगाने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों।